हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एंड वे ऑफ लर्निंग। करंट इवेंट करंट अफेयर्स 2024 की क्लास 29 में आज हम डिस्कस करेंगे प्रिटजर प्राइज 2024 के बारे में। लेकिन ये किसको दिया गया है 2024 का प्राइज, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, बात करें प्रिटजर प्राइज की, तो प्रिटजर प्राइज जो दिया जाता है वो आपका वास्तुकला आर्किटेक्ट के क्षेत्र में जो है प्रिटजर प्राइज को दिया जाता है। इस साल 2024 का जो प्रिटजर प्राइज दिया गया है वो रुकेन यामामोटो को दिया गया है। ये जापानी आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं, जिनको कि प्रिटजर प्राइज 2024 का पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है, और इसे वास्तुकला के नोबल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। वहीं हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1979 में जे प्रिटजर ने 1979 में की थी अपनी पत्नी सिंडी के साथ। तो ये सारे पॉइंट हमको प्रिटजर प्राइज 2024 के बारे में याद रखने। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया विथ रेफरेंस टू द 2024 प्रिटजर प्राइज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिकेन यामामोटो इज द विनर ऑफ 2024 प्रिटजर प्राइज। तो ये सही है। पहला ऑप्शन, द प्रिटजर प्राइज इज एन एनवायरमेंटल अवार्ड, तो ये गलत है। ये प्रिटजर प्राइज जो एनवायरमेंटल अवार्ड नहीं है, ये आपका आर्किटेक्ट वास्तुकला से रिलेटेड अवार्ड है, क्योंकि वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो एक ऑप्शन नंबर वन जो है यहाँ पे, स्टेटमेंट वन जो है यहाँ पे करेक्ट है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये सारे पॉइंट हमने प्रिटजर प्राइज 2024 के बारे में डिस्कस किए। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल मस्टअप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।